हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? संख्या पद्धति चल रहा है। ओके, संख्या पद्धति में हम संख्याएं जान चुके हैं कितने प्रकार की होती हैं और उस पर हम संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पूर्ण संख्याओं और जो आपका प्राकृतिक संख्या है उन पे संक्रियाएं पढ़ी। अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है पूर्णांकों पर संक्रिया। संक्रियाएं आप सबको पता है कितनी तरह की होती है? चार तरह की, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ओके, ये चारों क्या होती है? संक्रियाएं होती है। और पूर्णांक आपको पता ही है, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और जीरो का समूह जो है, संग्रह जो है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम पूर्णांक कहते हैं। ओके बच्चे, हमने धन पढ़ लिया था, हमारा जो था ऋण भी हो गया था, ठीक है, और हमने गुणा भी कर लिया था, आधा हमने क्या कर लिया था? भाग भी कर लिया था। बच्चे आपको कुछ पूछना है पूछ लो, अगर पूछना है तो माइक ऑन कर लो, पूछ लो। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम जो पोल में क्वेश्चन करेंगे, पीछे का रिविजन करेंगे, वो माइनस का ही करेंगे। ओके बच्चा, अभी हमने आपको क्या बताया था कि माइनस अगर जहां हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, घटाव करना होता है, तो वहां पर हमें सिंपल से तीन स्टेप, तीन चरण फॉलो करने पड़ते हैं। पहला चरण क्या है? आपको देखना पड़ता है क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा है क्या कि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या करते हैं हम उन दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक धन है और एक ऋण है, ठीक, इन दोनों का गुणा क्या होगा? ऋण। और अगर दोनों धन है तो गुणा क्या हो जाएगा? धन। और अगर दोनों ही ऋण है तो आपका गुणा क्या हो जाएगा? धन। ओके, और धन और ऋण का तो आपको पता ही है क्या होता है? ऋण होता है। पहला स्टेप आपका यही रहता है कि दो चिन्ह आ रहे हैं तो हम उन दोनों का गुणा करके उसे एक चिन्ह में परिवर्तित कर ले। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरा स्टेप हमने आपको क्या समझाया था कि इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, ये वाला पहले स्टेप करने के बाद कि जो दो संख्याएं हैं, कभी कभी दो से ज्यादा भी होती है, तो हम क्या देखते हैं कि दो संख्याएं हैं वो एक से ही चिन्ह की है या फिर अलग अलग की। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? फिर हम देखेंगे दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान है या फिर अलग अलग है। अगर वो एक समान होता है, दोनों चिन्ह जो है वो धन धन है या फिर ऋण ऋण है, समान का मतलब समझते ना, एक जैसे, तो अगर धन धन और ऋण ऋण है तो वो क्या हो जाता है? वो जुड़ जाता है। ठीक है, हम उन्हें जोड़ देते हैं। पर अगर अलग अलग है तो हम उन्हें क्या कर देते हैं? घटाव कर देते हैं, घटा देते हैं। और घटाना हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही होता है। ठीक है, और तीसरे चरण में हम उसका चिन्ह निर्धारित करते हैं। और चिन्ह हमेशा बच्चे कैसे निर्धारित करेंगे? समान संख्याओं में जिसमें हमने दोनों संख्याओं को जोड़ा है उसमें हमेशा चिन्ह किसका आता है? उसी संख्या का आता है, उन्हीं संख्या का आता है जो कि आपके प्रश्न में है। ठीक है, जो कि आपके किस में है? प्रश्न की संख्याएं जो है उनका जो चिन्ह है वही उत्तर का चिन्ह रहेगा। जैसे हमने दोनों धन धन की संख्याओं को जोड़ा है तो धन ही आएगा, और ऋण ऋण की संख्याओं को जोड़ा है तो वो ऋण ही आएगा। और दूसरे बात हमें क्या देखनी पड़ती है, अगर चिन्ह एक जैसा नहीं है या कह लो चिन्ह आपका अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चे? हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है, और जब हम चिन्ह निर्धारित करते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। अगर बड़ी संख्या धन की है तो धन आएगा, और ऋण की है तो फिर वो क्या आता है? ऋण आता है। समझ आ गया बच्चे? रिविजन हो गया, कुछ डाउट तो नहीं है? अभी भी पूछ लो, क्योंकि अब हम घटाना नहीं करेंगे, हम भाग पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप लोग कम बच्चे हो, आराम से माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कहीं भी गलत हो गया, अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो, हम चेक कर लेंगे कहाँ आपने गलत किया है, किस जगह पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे। एक क्वेश्चन करेंगे हम घटाने पे, फिर हम किस पे क्वेश्चन करेंगे? भाग पर।
क्वेश्चन क्या है, माइनस 42 में से हम माइनस का 32 घटा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है और इसका आंसर आपको पोल में देना है। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, हो जाए तो कर देना, जल्दी नहीं है। ओके बच्चे, जो बच्चे बचे हुए हैं वो भी जल्दी से आंसर कर दे। ओके, अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं करा। बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे। बच्चे आपने आंसर नहीं किया है, जल्दी से कर दो जिसका भी बचा हुआ है। हाँ बच्चे, बस ये हो जाए फिर आपको जो भी कहना है आप अपना माइक ऑन कर। बच्चा किसने नहीं किया, जल्दी कर दो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे। नो, किसने आंसर नहीं किया बच्चे, फिर हम कॉपी चेक करेंगे अभी कैमरा ऑन करा के। तो जिसने भी नहीं किया जल्दी से सॉल्व करके जल्दी से आंसर दे। अरे वहां पे नहीं, अच्छा ठीक है, तो हम पोल ऑफ कर रहे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चा, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ बच्चा, वो मेरा वो जो कनेक्शन था ना अभी, वो कट हो गया था लैपटॉप का, तो फोन से ज्वाइन था, पर अब आ गया होगा, अब बोर्ड दिख रहा होगा ना, अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ राइट आंसर इज बी, लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं? चलो बच्चा ये सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे, दो चिन्ह आ रहे थे तो दोनों चिन्हों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ऋण ऋण का क्या हो जाता है, धन हो जाता है। ओके बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये -42 और +32।
अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, देखते हैं दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है, समान है या फिर अलग-अलग है। तो यहाँ पर क्या है, अलग-अलग है। तो समान होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, अलग-अलग होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और तीसरा स्टेप हमने बताया था आपको चिन्ह का, जब हम घटाते हैं बच्चा तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था और बी ही करेक्ट आंसर। ओके चलो, अब हम क्या कर रहे थे, हम आपका भाग कर रहे थे। भाग के चिन्ह हम आपको एक बार जल्दी से समझा देते हैं, फिर हम पोल में इसके भी क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको समझाया था भाग में भी आपको तीन तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला तरह जो होता है आपका क्या होता है कि जो आपकी भाग वाली पहली संख्या, मान लो कहा गया है 100 में 5 का भाग दो, ठीक है, तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है, वो भी धन का है और जो भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है वो भी धन का है। अगर दोनों संख्याएं धन की हैं जिनमें भाग हो रहा है या जो भाग में है, तो आपका उत्तर हमेशा किसका आएगा, धन का ही आएगा। जैसे गुणा में था ऐसे ही इसका होता है। अब भाग देना है तो 5 का 100 में भाग दे लो, क्या होगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 50 50 क्यों आएगा, 20 आएगा, ठीक है बच्चे। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, दूसरा हमने आपको समझाया था कि अगर दोनों संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक है ना बच्चा, तो ऋण का भी हो सकता है। अगर दोनों संख्याएं आपकी क्या है, दोनों संख्याएं जो है वो ऋण की है, तब हमें क्या करना पड़ता है, हम जो ऋण ये वाला है उससे ये वाला कट जाता है और सीधा 4 से 100 में भाग दे देंगे। वो ऊपर वाले का था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका जोड़ होता है बच्चे, दोनों संख्याएं किसकी हैं, धन की हैं, तो आपका उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा। और अगर दोनों ऋण की हैं तो ऋण ऋण कट जाता है, ओके, और आंसर तब भी धन में ही आता है, ठीक है। प्रोसीजर आपको पता ही है क्या करना होता है, कि पहले हम संख्याओं का भाग दे लेते हैं और फिर उसके बाद चिन्ह हल करते हैं, ओके। और चिन्ह कैसे हल करते हैं, कि जो ऋण ऋण है वो क्या हो जाता है, धन, और धन धन है वो भी आपका क्या होगा, धन। अगर चिन्ह अलग अलग है तभी आपका उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। चाहे ऊपर ऋण हो या नीचे ऋण हो उससे हमें मतलब नहीं है, अगर ऊपर और नीचे दोनों चिन्ह अलग अलग हैं या पहली और दूसरी संख्या का चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा उत्तर ऋण में ही आएगा। और अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो उत्तर किस में आता है, धन में आता है। ये वैसा ही है, इसके चिन्ह बिल्कुल गुणा जैसे ही है। गुणा में भी यही होता था ना, कि दो धन की संख्याएं गुणा हो रही है तो भी धन का आता था, दो ऋण की संख्याएं गुणा हो रही है तब भी धन का आता था, वही यहाँ पे होता है बच्चा। अगर दो धन की संख्याओं का भाग हो रहा है तब भी धन में आएगा, और दो ऋण की संख्याओं का आपका भाग हो रहे है तो आपका आंसर धन में ही आएगा, ओके। ऋण में सिर्फ तभी आता है, कुछ पूछना है बच्चा, हैंड रेज करो, जब आपका पहला जो है, ठीक है, पहला जो संख्या है या फिर दूसरी जो संख्या है, सॉरी ये धन की है ये ऋण की है, ठीक है, पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या, सिर्फ एक संख्या ऋण की हो और दूसरी संख्या धन की हो, मतलब दोनों संख्याओं का चिन्ह अगर अलग अलग है तो आपका उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। बच्चा अब 25 क्यों होगा, 20 से भाग दे रहे हैं, 5 आएगा, 25 नहीं 5, ठीक है, इसका 4 आएगा, वो भी ऋण का, सॉरी ऋण तो पहले से लगा, ठीक है बच्चा। समझ आया कि अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा है उत्तर धन में, और अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर हमेशा ऋण में ही आएगा। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई भी दिक्कत हो बच्चे, अपना माइक ऑन करके भी पूछ लो, तब भी हम बता देंगे। बच्चे अभी आपने जो संजीत की आईडी से जो बच्चा है अभी ज्वाइन किया, बच्चा आपको समझ आया, नहीं समझ आया पूछ लो, मैं दोबारा समझा।
पोल में क्वेश्चन करने से पहले हम एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे कर लेते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चे जल्दी से इनका आंसर करेंगे, फिर मैं आपको एक और तरह का क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चे सारे बच्चे आंसर करेंगे। अच्छे आप अभी आए हो, आप जल्दी से बता दो, आपको समझ आया भाग वाला? नहीं आया तो आप पूछ लो, हम आपको दोबारा बता दें। ओके आप आंसर कर रहे हो, दैट मीन्स समझ गया। ओके बच्चों ये वाला हो जाए तो आप सब मुझे ये बताओ, आप लोगों को घड़ी देखना आता है ना, टाइम देखना आता है? टाइम समय इसे बदलना आता है? बदलना मतलब अगर मैं बोलू 1 घंटे में कितने, मतलब 1 घंटा एक आ लिखने में, 1 घंटे में कितने मिनट होते, तो आपको पता है? सबको पता है ये, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चे? 60। इस ये वाले कर लो पहले, अगर नहीं किया हम रुक जाएंगे, पहले आप मेरी ये बात का आंसर दो। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अब मुझे ये बताओ कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, ये सोचो। क्यों 1 घंटे में घंटे थोड़ी ना हो गए, नहीं होते? कम 1 मिनट लग रहा होगा लेकिन होगा तो ही, सोचो सोचो। नहीं सोच पाओगे मैं आंसर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, सोचो थोड़ा सा सोचो। नहीं 1 मिनट में 1 घंटा कैसे हो जाएगा? नो नो नो, 0 घंटा भी नहीं होगा। नो आइडिया, 12 घंटे कहीं ना होते, ये नहीं कह सकते कि अगर आप पूछे 1 मिनट में कितना घंटा हो, तो आपने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। यूनिटरी मतलब एक वाला, वो पढ़ा है कि अगर 50 किताबों की कीमत 100 रुपए है, ठीक है, तो एक किताब की कितनी होगी? ये वाला क्वेश्चन पढ़े हैं आपने कि अगर 50 किताबों की कीमत 100 रुपए है तो एक किताब की कितनी होगी? नहीं उसको उसको हल मत करो, इस सवाल का उत्तर दो। बताओ 50 किताबें 100 की आ रही है, तो एक किताब कितने की आएगी? दो, 5 की क्यों आएगी? चलो छोटा क्वेश्चन कर देते हैं। मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, ठीक है, तुम दुकान पे गए, तुमने 2 चॉकलेट खरीदी। अब मैं पूछू अगर 1 रुपया होता तो कितनी चॉकलेट आ जाती? 1 रुपए में कितनी आती? एक आती, ठीक है। अब ये तुमने नॉर्मल निकाल लिया, लेकिन अगर हम इसका वैसे निकाले ना, तो कैसे निकाला? आपने 2 चॉकलेट में 2 रुपए का भाग दे दिया, तभी तो एक आया।
किसी भी चीज की या किसी भी आपको जब भी एक की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो आपके रुपीज है, ठीक है। हमने क्या पूछा, एक चॉकलेट की कीमत पूछी, दो की दो थी, तो हमने क्या किया, दो में दो का भाग दिया तो पता चल गया एक की एक आएगी। वही हमें यहाँ करना होता है बच्चा, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चा। क्या 50 किताबों की कीमत 100 रुपए थी, हमें एक की पता करना है, ठीक है। तो सोचो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 गुणा 50, एक ही बात हुई ना, ये 50 उधर चला जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में ना, तो ये क्या हो जाएगा, 100/50, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। जब हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा की कीमत दी गई है या ज्यादा की वैल्यू पता है और कम की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। और अगर हमें कम की दी गई है, बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं कहती कि एक किताब की कीमत 4 रुपए है, 20 की बताओ, तो आप क्या करते हैं, बताओ जल्दी से। अगर एक किताब की कीमत 4 रुपए है और मैं आपसे पूछ रही हूँ 20 किताबों की कीमत बताओ, 20 कैसे हो जाएगी, सोचो, एक की 4 रुपए, हाँ गुणा करो करो, अरे आंसर तो सही दो, गुणा करके गलत आंसर दे रहे हो। एक की 4 है तो 20 की कितनी होगी, अरे एक ही बार आंसर देना है। सारी की निकालनी है तो हम में से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते। तो बच्चा हमेशा याद रखना कि जब हमसे क्या पूछा जाता है, जब हमसे छोटे की कीमत देके बड़ी की पूछी जाती है तो हम गुणा करते हैं, और बड़ी की देके एक की पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। इतनी बात समझ आई बच्चा, जल्दी से बताओ। अरे आंसर तो करो, नहीं समझ आया तो हम फिर से बताएंगे, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बढ़ाएं, मान लो आपको पता है कि 20 किताबों की कीमत जो है, जो 20 किताबें हैं उनकी कीमत जो है वो है 60 रुपए, ठीक है। हमने आपसे पूछा है कि आपको पता करना है 2 किताबों की कीमत, तो क्या करोगे, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए यार। अब इसमें हम भाग और गुणा दोनों ही करेंगे, तो वो तो एक की हुई ना, हमें दो की निकालनी है, तुमने एक की निकाल ली, ठीक है, हमारा आंसर आ गया, एक की आ गई। अब हम दो की निकालेंगे तो कैसे करेंगे, गुणा कर देंगे ना, इतनी बात समझ आ रही ना बच्चा, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमसे आपको बहुत सारी किताबें दी गई हैं और कोई और नंबर पूछा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किताब की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक किताब की निकाल के हम कितने की भी आसानी से निकाल सकते हैं ना गुणा करके। तो हम क्या करेंगे, पहले एक किताब की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, भाग देके। आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दो की निकाल लिए तो हम क्या कर देंगे, दो का गुणा कर देंगे। 4 जितने की निकालनी होती, अगर हमें 9 की निकालनी होती हम 9 से गुणा कर देते, अगर हमें 10 की निकालनी होती हम 10 से गुणा कर देते। तो सबसे ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें सबसे ज्यादा क्या करना पड़ता है बच्चा, हमें एक वस्तु की कीमत निकालनी पड़ती है, फिर हमें जितनी की चाहिए उस एक में हम गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। समझ आया बच्चा, जल्दी बता दो, समझ आया। ये वाले क्वेश्चन करके मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो हल करेंगे। पहला वाला देखो बच्चा, यहाँ पर देखो एक ही ऋण है, तो मैंने क्या बताया था, अगर एक ही ऋण हो तो वो ऋण उत्तर में जाता है, और 5 का भाग हम 400 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा और ये 0, ठीक है, मतलब ये 0 रहेगा तो 80 हो जाएगा, -80, ओके। यहाँ पे देखो बच्चा, दोनों में ऋण है तो दोनों जब में ऋण होता है तो क्या हो जाता है, ये वाला ऋण इस वाले से कट जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, 2 का भाग 204 में देना है, ठीक
तो आपका क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ओके बच्चा, आगे देखो बच्चा, इसमें क्या है, एक ऋण है एक धन है। अगर एक ही ऋण होता है तो वो कहाँ जाता है, उत्तर में। दो होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। अब 20 का भाग देना है और 20 × 6 कितना होता है, 120, तो 6 आपका यहाँ आ जाएगा। ओके बच्चा, लास्ट वाला तो आसान है, 15 का भाग देना है 150 में, दोनों धन के हैं तो दोनों धन के हैं तो उत्तर तो वैसे भी धन का ही आएगा, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा ये 10। ओके बच्चे, इतना समझ आया, इतना समझ आ गया है बच्चा, जल्दी बताओ, फिर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। आपको पता करना है कि 3600 सेकंड में, ठीक है, ये सेकंड है, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, 3600 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। छह वाला लगाते हैं, 636 सेकंड में कितने घंटे होंगे। चलो चलो जल्दी से आंसर करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया कि जब हमें क्या करना होता है, ज्यादा से कम निकालना होता है। देखो सेकंड तो ज्यादा होते हैं ना, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, ठीक है, मैं बता रही हूँ, होते हैं, कैलकुलेट कर लेना तो, ठीक है, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और घंटा तो एक ही है ना, मतलब हम जब घंटे से सेकंड में जाएंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, और ज्यादा से कम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना होता है ना, ये वाली बात समझ आ रही है। जब हमें ज्यादा वैल्यू दी गई हो और ज्यादा से कम करना है तब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि हम इसमें कितने का भाग देंगे, सोचो जल्दी से, नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप मुझे जल्दी से बताओ कि जब हमें क्या करना है, सेकंड से घंटे निकाल तो हम किसका भाग देंगे। अगर हम 60 का देंगे तो हमारा मिनट आएगा, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, सेकंड में 60 का भाग देंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, नहीं बच्चे 24 का भी नहीं आएगा, सोचो मैं बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, आसान कर दे, छोटा सा लेते हैं पहले, ठीक, इसको हम ले लेते हैं 7200, आसान हो गया, थोड़ा सा बड़ी संख्या नहीं लेते, ठीक। तो सबसे पहले सोचो, अगर हमें मैं बोलूं कि 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं तो वो क्या होगा, जल्दी बताओ 60 सेकंड में कितने मिनट होंगे, सोचो जल्दी, 60 सेकंड में कितने मिनट होंगे, छोटे छोटे चलेंगे, सब क्लियर कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है 60 सेकंड में एक मिनट होता है, कैसे आया ये, कैसे आया बच्चा, क्योंकि हमने 60 सेकंड में 60 का ही तो भाग दिया, ठीक है, तभी तो आया, कोई बात नहीं बच्चे, अभी हम समझा ही रहे हैं। देखो क्या करना होता है बच्चा, जब हम घंटे को मिनट में बदलते हैं या फिर मिनट से हम क्या बदलेंगे, आपका सेकंड में बदलेंगे, तो इनका एक तरीका होता है। सबसे पहले आप देखो किसको किसमें बदला जा सकता है, अगर हम किसमें बदल रहे हैं, मिनट से सेकंड में बदल रहे, ठीक है, नहीं यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, पहले आप मेरी बात सुनो पूरी, फिर आप करना, ठीक है, अब वो मैंने मिटा दिया। अगर हम क्या कर रहे हैं, मिनट से सेकंड में बदल रहे, तो ये बहुत आसान है, हमें क्या करना पड़ता है, बस 60 से गुणा कर दो। वैसे मैं पूछूं आपसे कि 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप क्या करोगे, 2 में 60 का गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा 120 सेकंड होते हैं, ये वाली बात समझ आए, आप बस मुझे ये बताते जाओगे कि हाँ इतना समझ आया, फिर मैं आपको ऊपर तक ले चलेंगे, मतलब अच्छे से पूरा समझा देंगे, बताओ इतना समझ आया, सबको आंसर करना बच्चा। अगर मैं पूछूं मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 60 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक मिनट में
60 सेकंड होते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 मिनट में कितना होगा तो आप 60 का गुणा करके 120 कर दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं 3 मिनट में क्या होता है तो फिर आप 60 का गुणा करके उसे सेकंड में बदल दोगे। इतने वाली बात समझ आ गए बच्चे कि जब हम मिनट से सेकंड में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है 60 का। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे देखें तो मान लो हमें घंटे को मिनट में बदलना है। ठीक है, जहां नहीं समझ आया बच्चा दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब हमें क्या करना है, घंटे को मिनट में बदलना है। मैं पूछूं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बताओ जल्दी से 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मिनट बताना है सबको बच्चा, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सबको पता है बच्चा, एक ही बार मैसेज करो। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चे, एक बार ही करना है 60। ठीक है, तो जब हमें क्या करना है, घंटे को मिनट में बदलना है। जैसे मैं पूछूं 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो क्या करोगे आप 3 का गुणा सीधा 60 में करोगे ना बच्चा। देखो, अगर मैं पूछूं 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो आप क्या करोगे, 3 का गुणा कर दोगे ना सीधा सा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब घंटे से मिनट में बदलते हैं तब भी हमें 60 का गुणा करना पड़ता है। इतनी बात समझ आ गई बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। अब मान लो हमें घंटे से मिनट में बदलना, ठीक है, सॉरी घंटे से आपको सेकंड में बदलना है। ओके बच्चे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, घंटे से सेकंड में बदलना है। तो डायरेक्ट तो कुछ होता नहीं है, हमें तो सिर्फ ये वाले रिलेशंस पता है, ये वाला संबंध पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले घंटे को मिनट में, हाँ बच्चा ठीक है, पहले घंटे को हम क्या करेंगे, मिनट में बदल लेंगे। कैसे करते हैं, 60 का गुणा कर देते हैं, समझ आया। फिर हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर 60 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 2 बार 60 का गुणा हुआ ना बच्चा। तो आप क्या कह सकते हो, जब हमें घंटे से सेकंड में बदलना होता है तो हम किसका गुणा करते हैं, 60 गुणा 60, 3600 का गुणा करते हैं। ये आप कॉपी में लिख लेना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना है इसमें। ये वाली बात समझ आई बच्चा, यहां तक समझ आया, जल्दी बताओ बच्चे, इतना समझे बच्चे। आप अभी आए हो, मैं आपको बता देती हूँ, हम आपको अभी कन्वर्ट करना बता रहे हैं, रूपांतरण करना बता रहे हैं मिनट सेकंड का। ठीक है, तो जब हम मिनट से सेकंड में बदलते हैं तो आपको पता होगा 60 का गुणा करते हैं। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में कितना होगा, 60 से गुणा कर देंगे। सेम अगर 1 घंटे में मिनट पूछे तो कितने होते हैं, 60 ना, 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम 4 घंटे में पूछेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे, मतलब जब भी हम घंटे से मिनट में बदलते हैं 60 का गुणा होता है। अगर हम क्या करें बच्चे, आप हैंड रेज करो, कुछ पूछना है। अगर हमें घंटे को सेकंड में बदलना है तो हमारा डायरेक्ट कुछ नहीं होता, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे और फिर मिनट को सेकंड में। तो पहले हम क्या करेंगे, 60 का गुणा, तो मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे 1 घंटा था, 1 घंटा जो था, 1 आवर जो था, हम इसे पहले मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, 60 मिनट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, आपका 60 से गुणा हो जाएगा। तो आप जब घंटे को सेकंड में बदलते हो तो 60 गुणा 60 या 3600 का गुणा करते हो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। उल्टा का मतलब है, मान लो हमें सेकंड को बदलना है मिनट में, ये हम अभी मिटा देते हैं, फिर हम आपको अभी लिखा देंगे। हमें क्या करना है बच्चा, हमें आपका सेकंड को बदलना है मिनट में। ठीक, तो हमने अभी आपको क्या सिखाया, जब हमें ज्यादा वैल्यू निकालनी होती है तो गुणा करना होता है, कम की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, चलिए बताओ बच्चा, जब हमें कम की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, भाग। उल्टा क्या होता है, भागना। देखो अभी हमने क्या किया था, हम क्या कर रहे थे,
हम कर रहे थे मिनट से सेकंड, सीधा सीधा जा रहे थे तो गुणा कर रहे थे। अब हम अगर उल्टा करेंगे तो गुणा का उल्टा करेंगे, और गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। सबको बताना बच्चा, गुणा का उल्टा क्या होगा? भाग। तो बच्चे हमारी संख्याएं वही रहती हैं, जब हम क्या करेंगे सेकंड से मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं ना, सेकंड से मिनट जा रहे हैं, मिनट से सेकंड तो सीधा गुणा करके निकाल लेते थे। अगर हम उल्टा जा रहे हैं तो हमें इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, और गुणा का भाग उल्टा होता है। ओके, तो जब हम सेकंड से मिनट में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 60 का गुणा हो जाए, सॉरी 60 का भाग हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम मिनट से घंटे में परिवर्तित करें टाइम को तो बचाओ क्या होगा? अगर हम मिनट से घंटे में परिवर्तित करें तो क्या होगा? कैसे भाग होगा? भाग होगा जब भी हम, देखो मिनट आपका क्या है? छोटा है, और घंटा क्या है? बड़ा है। तो जब भी हम छोटे से बड़े में करते हैं तो हम भाग देते हैं, लेकिन भाग देंगे किसका? चलिए बताओ कितने का भाग देंगे हम? दो, समझ नहीं आ रहा बच्चा? समझ नहीं आया तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बात क्लियर है? किसका भाग देंगे हम? 60 का, क्योंकि 60 का गुणा कर रहे थे, 60 का ही भाग देंगे, क्योंकि रिलेशन वही है, संबंध वही है, बस हम उल्टा जा रहे हैं, तो हमें जो प्रक्रिया करनी है, जो हमें संक्रिया करनी है, वो उल्टी करनी है, और गुणा की जो संक्रिया होती है वो क्या होती है? भाग होती है। ठीक है बच्चा, अब इस वाले पे चलेंगे। ये वाला क्या था कि जब हमें क्या करना है, सेकंड से घंटे में बदलना, तो डायरेक्ट तो बदला नहीं जा सकता, पहले हम क्या करेंगे? सेकंड से मिनट में बदलेंगे, और मिनट से फिर किस में बदलेंगे? घंटे में बदलेंगे। ओके बच्चा, तो सेकंड से मिनट में कैसे बदलते हैं? 60 का भाग देके। ओके, और मिनट से घंटे में कितने बदलते हैं? फिर से 60 का भाग देंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दो बार 60 से भाग देना पड़ेगा अगर हमें सेकंड को क्या करना है, आपको घंटे में बदलना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते थे? घंटे से सेकंड में बदलने के लिए 3600 का गुणा करते थे। यहाँ आपका क्या हो जाएगा बच्चा? सेकंड से घंटे में बदलने के लिए 3600 का भाग कर देंगे, या कह लो दो बार 60 का भाग कर देंगे। समझ आया बच्चा? कोई कंफ्यूजन है जल्दी से पूछ लो। अब वही वाला प्रश्न मुझे बताओ कि 7200 सेकंड में कितने घंटे होंगे? हाँ पूछो ना, क्या डाउट है? घंटे पूछे मैंने। मैम एक बात पूछनी है पूछो ना बच्चा जी, जो आप पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें यही था। जी ऐसे ही करा था, 17 तो भागफल आ गया और 40 शेषफल आ गया, ये कैसे करेंगे? अच्छा, जो शेषफल आ गया था बच्चा, शेषफल जो रहता है ना उसको हम पॉइंट में बदल देते हैं, मतलब आगे जैसे हम दशमलव में बदलते हैं ना, आगे जीरो जीरो करके भाग देते हैं, वैसे बस दो डिजिट तक करके लिख देते हैं। जी एक या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे लिखा है 72 सेकंड लिखा है, इसको हमें मिनट में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? जितना भाग जा रहा है उतना हम भाग दे देंगे। ठीक, एक बार जा रहा है, जैसे हमारा 12 बजता ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं 1 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, जैसे हम टाइम भी देखते हैं ना, तो ऐसे बताते हैं ना कि 1 घंटा और 20 मिनट हुए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो आपका शेषफल है उसको उसी में बदला रहने दो, और आपका दूसरा तरीका तो है कि आप दशमलव करके लिख लो। मैम भागफल 17 आया है, वो कैसे होगा? तो 17 17 लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 17 घंटा, भागफल ही तो हमारा उत्तर है ना बच्चा, भागफल हमारा उत्तर होता है, तो हम क्या बोलेंगे? 17 घंटा, और उसके बाद जो आपका शेषफल बचा था वो यहाँ पे लिखेंगे, और मिनट। ओके, अरे से समथिंग कुछ तो कहो। ये बताओ बच्चा, इसका आंसर आया बच्चा? हमें क्या करना होता है? सेकंड को घंटे में बदलने के लिए
3600 से भाग देना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें 3600 से भाग किसमें देना है, 7200 में। तो ये तो बहुत छोटा सा है, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 36 दूनी 72, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 घंटे 2 आवर। बताओ बच्चा समझ आया? आप लोग अभी सारे बच्चे आंसर कर रहे थे, अब आधे बच्चे नहीं कर रहे। जल्दी जल्दी बता दो बच्चे, सब बता दो समझ आया ये। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छा बात है, इसको कॉपी में लिख लेना, ये बहुत काम आएगा आपको। या इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है कि घंटा छोटा होता है, ठीक है? तो जब हम छोटे से बड़े में बदल रहे हैं, सेकंड बड़ा होता है ना, ठीक है? जैसे 1 घंटे में 60 सेकंड होता है, तो 1 में 60 हो रहा है, तो कितना बड़ी संख्या आ रही ना, तो जब भी हमें बड़ी संख्या में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जब हमें छोटी संख्या में बदलना होता है तो भाग करते हैं, और संख्या तो वही रहती है कि एक स्टेप बदलना है तो 60, और दो अगर आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 3600। बच्चा जिसने आंसर नहीं करा जल्दी बता दो समझ आया, आगे बढ़े। अरे तुमने तो आंसर दे दिया, बचे हुए बच्चे दे दो आंसर, पोल में क्वेश्चन करें, नहीं समझ आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ओके 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 ओके, अरे एक ही बार आंसर किया था। चलो बच्चा फिर हम, हाँ 2 आवर्स आएगा, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में करेंगे, एक दो क्वेश्चन है कर लेते हैं, वो तो हमारा भाग खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 65 है, उसमें हमने 13 से भाग दिया। कुछ नहीं समझ आया बच्चा, वेट कर लेना, इस क्वेश्चन के बाद हम आपको बता देंगे। चलो मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आपको इसका आंसर देना है। साइन का ध्यान रखेंगे। ओके बच्चे आपने कर दिया है तो वेट करें। ओके बच्चे चलो ओके, अभी भी 3 बच्चे बचे हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, अभी भी 2 लोगों ने नहीं किया। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। ओके अभी भी एक बच्चा बचा है, आपने आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम दे रही हूँ मैं आपको, जल्दी से इसका आंसर कर दो। बच्चा किसने आंसर नहीं किया, अच्छा आपके पास फोन नहीं आता, सॉरी। ठीक है मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, फिर आगे बढ़। चलो जिसका आंसर नहीं आया था वो आप मैसेज में आंसर कर दो। आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो ऐसा कुछ है नहीं बताने को। जैसे आपको पता ही है, अगर सिर्फ एक में ही चिन्ह आ रहा है तो उत्तर ऋण का ही आएगा, और 13 पंचे 65 होता है तो 5 आंसर आ जाएगा। ओके तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चा अगला पोल करते हैं, एक सेकेंड। अगला पोल क्या है आपका, आपको -12 से भाग देना है 1080। जल्दी से करेंगे और इसका आंसर भी आप पोल में दोगे। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, आप आंसर दे सकते। चिन्ह ओके बच्चों,
चिन्ह का ध्यान रखना है बच्चा सबको। क्वेश्चन आपका है 180 में आपको भाग देना है माइनस के 12 से। ओके, दो बच्चों ने आंसर दिया है, बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। ओके अच्छा, आपके आसपास, अरे ठीक है, आपके आसपास जो बच्चे हैं जो नहीं आ रहे उनको बोलो कि क्लास अटेंड किया करें, अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी हम नंबर लाइन पढ़ेंगे, मतलब संख्या रेखा पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, तो उनको बोला करो कि क्लास आया करे बच्चे, आपके में बहुत ज्यादा ही संख्या गिर गई है। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और आपके स्कूल्स खुल जाएंगे तब भी आपको आना है बच्चा टाइम से, आपकी क्लासेस लगेंगी जैसे अभी लगती थी। बच्चे जिस जिसे आंसर नहीं किया है जल्दी से करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा। जल्दी करेंगे बच्चे, फिर इसके बाद हम अपना लास्ट पोल का क्वेश्चन करेंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। बच्चे किसने आंसर नहीं किया है जल्दी करो, अभी सिर्फ 4 बच्चों ने ही किया है, मतलब 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया। आपको हम 2 मिनट और, मतलब 1 मिनट और दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। किसने आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी करो। पांच बच्चा जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। 4, 3, दो अरे काउंटिंग आती है मुझे उसके बाद की भी, 2 और 1। ओके बच्चे, अब जिसके पास पोल नहीं खुलता है आप मैसेज में आंसर दे। चलो बच्चा, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ऋण आएगा, और हमें आपका 12 का भाग देना है किसमें, 80। ठीक, अरे इतने बार नहीं लिखना, ठीक कितने बार जाएगा, 9 बार, तो आपका क्या हो गया 108, उसके बाद 0 बचा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस का 90 आपका उत्तर हो जाएगा। ओके चलो जल्दी से आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसका भी आंसर आप सबको पोल में ही करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है 1200 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। हमने तो इससे बड़ा भी क्वेश्चन किया था, आप ये आसानी से कर लो। मैं वहां पर तो मिनट लिखा है, हाँ मिनट ही कह रही हूँ मैं भी। आपने सेकंड कहा था 1200 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। ओके माय बैड, आई अपोलोजाइज। चलो जल्दी से करो। चलो बच्चा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सही आंसर करेंगे। अरे गलत नहीं करना है, कुछ भी छाप रहे कर दिया, अच्छी बात है बच्चा,
सब आंसर करेंगे बच्चे। अब अभी हमने आपको ये पढ़ाया है, गलती नहीं करना बच्चा, सोच समझ के सही आंसर करना। अरे इतनी वैरायटी ऑफ आंसर्स किसने आंसर नहीं किया बच्चा, बच्चे और बच्चे भी जल्दी से करते। अच्छा जल्दी कर दो आंसर, किसने नहीं किया अभी तक, क्योंकि अभी भी दो बच्चों का आंसर नहीं आया, जिसमें एक के पास फोन नहीं आता, इसका मतलब है एक बच्चे ने अभी भी आंसर नहीं किया। बच्चा क्वेश्चन समझ आ रहा है, 1200 मिनट में पूछा है कितने घंटे होते हैं। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं बच्चा, जल्दी करो। जल्दी आंसर कर दो बच्चे। अरे बच्चा आंसर करना है तुमको, जल्दी करो। क्या तुमने कर दिया? कोई नहीं, जिसने नहीं किया उसको कह रहे, क्योंकि अभी आंसर नहीं किया सबने। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं बच्चा, जिसने भी नहीं किया जल्दी कर दो। 5 4 वेट कर रहे हैं हम, जल्दी करो। 3 2 नो, नहीं करना, क्यों नहीं करना, जल्दी करो। नहीं, नो, बिल्कुल नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कर दो। ठीक है चलो फिर, नहीं करना मत करो, ऐसे ऐसे नहीं करना होता बच्चे, हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, देखो जल्दी कर दो। ओके वन, चलो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 12, आप लोगों ने ये खामोखा गलत किया, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जब हमें क्या करना होता है, बड़े से ए छोटे में जाना होता है, मिनट ज्यादा होते हैं ना, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ओके मतलब ये बड़े की तरफ जा रहा है, हम कहाँ कर रहे हैं, अब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, या ये कह लो घंटा से मिनट में हम आसानी से बदलते हैं ना गुणा करके। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं मिनट से घंटा में, जब उल्टा जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं, किसका, 60 का, तो हमें क्या करना है, 60 का भाग देना था। तुम लोगों ने -60 लिख दिया आंसर, कैसे होगा, कैसे कैसे चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये कितना होता है, ये 2 बार जाता और ये आपका 0 आता, तो यहाँ पर भी 0। ओके चलो अब जल्दी से होमवर्क ले लेंगे, मैं आपको ये अगली क्लास में भी एक बार समझा दूंगी, अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अभी भी रुक सकते हो आप अगर कुछ पूछना है आपको, लेकिन फिलहाल जल्दी से होमवर्क ले लेते हैं। जाना नहीं है होमवर्क लिए बिना। चलो ये आपका होमवर्क है, 11.1 और 11.2, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया बच्चा, थोड़ी देर वेट कर लो, मतलब अभी आप रुक के पूछ सकते हो मुझसे।